उसी निष्ठ के व्यवसाय के बारे में बताऊंगा। मशीनिस्ट व्यवसाय क्या है? आजकल जैसे तरक्की में मशीनिस्ट व्यवसाय का बढ़ना बहुत योगदान है, क्योंकि मशीनों के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती, इसलिए हर इंडस्ट्री में मशीन की बहुत आवश्यकता है। और मशीन ही एक ऐसा औजार है जो इंडस्ट्री को कामयाब बनाता है और हर प्रोडक्ट उसमें बनता है। मशीनिस्ट व्यवसाय में एक कारीगर कौन कौन सी मशीनें प्रयोग में लाता है? सिपर मशीन, ब्लेंडर मशीन, सॉर्टर मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, इन मशीनों पर सीएनसी मशीन, इन मशीनों पर कारीगर कार्य करता है। अच्छा, मशीनिस्ट में या मशीन शॉप में आपको काम करने से पहले सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। सेफ्टी 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 क्या है? जनरल तौर पर बात कर लेता हूँ सेफ्टी। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हुए आपने हेड प्रोटेक्शन के लिए यानी कि सिर की चोट से बचने के लिए या सिर को बचाने के लिए जैसे हम हेलमेट डालते हैं, वो एक सेफ्टी है। बाइक पर जूते डालते हैं, वो भी एक सेफ्टी है। इसी प्रकार वर्कशॉप में, वर्कशॉप के अंदर आपने सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले नया जो ट्रेनीज है बच्चा, उसने मशीन को बिना बताए या जिस मशीन के बारे में पता ना हो उसको नहीं चलाना चाहिए, उससे क्या होता है दुर्घटना हो सकती है। अतः कारीगर को मशीन चलाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना होने से कई बार ऐसा होता है मशीन से कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिससे कारीगर के अंग डैमेज हो सकता है और अंग दोबारा नहीं बनता, इसलिए मशीन पर कार्य करते समय सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी के टाइप है कि नंबर एक सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। जब भी आप वर्कशॉप में आओ तो आपने स्वयं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। चलती हुई मशीन को आपसे नहीं रोकना, चलती हुई मशीन में किसी भी औजार का इस्तेमाल नहीं करना, चलती हुई मशीन पर आपने जो वो नहीं मारना, क्योंकि अगर यदि कोई अंग आपका खराब हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। सेल्फ सेफ्टी में किसी भी औजार को, कटिंग औजार को और मेजरिंग औजार को एक दूसरे के साथ मिलाकर पहनना। वर्कशॉप के अंदर नंगी तारें नहीं होनी चाहिए। जिस मशीन का आपको नहीं पता है उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए। मशीन चलाते समय आपने औजारों को अलग अलग रखे करके रखना चाहिए ताकि उसका सेफ्टी का पता हो। जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी क्या है? अपने आसपास की सुरक्षा। पहले थी सेलफोन की सेफ्टी, अब है जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी वर्कशॉप की सेफ्टी, अपने संस्थान की सेफ्टी, आपका तरीका कैसा है, काम करने का तरीका क्या है, आपकी मशीनों का रखरखाव कैसा है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जनरल सेफ्टी में वर्कशॉप के अंदर कहीं भी तेल गिंदा नहीं होना चाहिए। अगर तेल गिंदा होगा तो उससे क्या होगा, आपका पैर स्लिप करके आप गिर सकते हैं, जिससे आपके सर को चोट लग सकती है। इसके बाद आता है मशीन टूल सेफ्टी। एक कारीगर को वर्कशॉप के अंदर मशीनों का रखरखाव
हर उसी अलग अलग स्थान पर उचित दूरी में रखी होनी चाहिए ताकि वो आपस में ज्यादा भीड़ ना हो, जिससे श्रमिक का कार्य कर रहा है उसको दिक्कत आए और उससे दुर्घटना हो सके हो सकती है। इसलिए मशीनों का उचित रखरखाव रखना चाहिए। कटिंग औजार और नेटिंग औजारों को अलग अलग रखना चाहिए। तारों बिजली की तार जो मशीन में दी गई है उसके वो ढीली नहीं होनी चाहिए। जो खतरनाक पदार्थ है वर्कशॉप के अंदर उनको मशीनों से दूर एक स्थान पर रखना चाहिए। चलती हुई मशीन में तेल निकालना चाहिए। काम करते समय श्रमिक एक दूसरे श्रमिक के ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए। मशीन सेफ्टी में मशीन को अच्छी तरह सबसे पहले मशीन को साफ करो, उसके बाद उसमें पावर सप्लाई चेक करो ताकि कई बार ऐसा होता है तार लंबे होने के कारण मशीन पर करंट आ सकता है, जिससे कारीगर की कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है या मिसहैपनिंग हो सकती है। ये तो थी हमारी सेफ्टी, जिसमें सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। अब है दुर्घटना। दुर्घटना में दुर्घटना किन किन कारणों से हो सकती है, इन बातों का एक श्रमिक को ट्रेनी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। अज्ञानता, वर्कशॉप के अंदर जब कोई नया ट्रेनी आता है तो उसको मशीनों का ज्ञान नहीं होता है और वो अनजाने में उनको छेड़ता है या जल्दबाजी करता है ताकि उसको चलाऊं, जिस कारण से दुर्घटना हो सकती है। अतः इसको कहा है हमारे को वर्कशॉप के अंदर जिस मशीनरी को हम चलाना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अज्ञानता के कारण भी वर्कशॉप में दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता, किसी भी कार्य को जल्दबाजी करने की उत्सुक होना कि मेरे को ये कार्य आता है, और जबकि वो ट्रेनी को करने ट्रेनी को उस कार्य के बारे में नहीं पता है, जैसे वो कोई ना कोई उजार उठाकर या फाइल उठाकर जल्दबाजी करे फाइलिंग करने की, या फाइल को मशीन चलती हुई मशीन में कोशिश करे क्योंकि उसको उसके बारे में पता नहीं है, इससे दुर्घटना हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अपने ऊपर ज्यादा विश्वास। अगर ट्रेनी को अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है और वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो मशीन चलाने जानता हूँ, फाइलिंग करने जानता हूँ, मैं हैमरिंग कर सकता हूँ, मैं चेकिंग कर सकता हूँ, जिसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से मसलू मैट चीजन को अगर हैमर के साथ प्रयोग करेंगे तो उसके जो मसलू मैट चीजन के जो होते हैं वो टूटकर दूसरे के शरीर को लग सकते हैं। लगन की कमी, एक कारीगर में यदि काम करते समय लगन की कमी है तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे काम दिया गया है श्रमिक को लेकिन उसमें लगन नहीं, उसका दिमाग कहीं और कोई और कार्य करे। काम तो उसको दिया गया है मशीन चलाने का लेकिन उसका दिमाग कार्य करे, वो घर से परेशान है या किसी और वजह से परेशान हो गया कारण उसके लगन की कमी है काम करने में, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अतः हमें कार्य करते समय एक लगन के साथ उस कार्य को समझ कर करना चाहिए। मशीन टूल का सही न होना, मशीन टूल का अपनी जगह पर सही न
कटिंग औजार और मेजरिंग औजारों को एक स्थान पर रखने से मशीनें आपस में टच कम स्पेस में मशीनों को एक जगह रखने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अतः मशीन टूल उचित दूरी पर होने चाहिए ताकि एक श्रमिक को काम करते समय कोई परेशानी ना हो। अगर मशीन टूल ज्यादा एक जगह आपकी भीड़ में होंगे तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। गलत पोशाक, यदि एक श्रमिक की गलत पोशाक है तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे उसके कपड़े अगर ज्यादा खुले हैं कफ, अगर पूरी बात जो है वो आप कफ मोड़कर यहां तक आप आज उसको रख सकते हैं। ज्यादा कपड़े ढीले होने से भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि खुले कपड़े मशीन में फंस सकते हैं। हाथ में कड़ा नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए, इन कारणों से भी दुर्घटना हो सकती है। खतरनाक पदार्थ, खतरनाक पदार्थ क्या होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जैसे तेल, ग्रीस, ऑयल, तेजाब। अगर ये पदार्थ सही मेजरमेंट से सही एक जगह या अलग जगह पर नहीं रखे गए तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर तारों के जो ढीले होने से क्या होगा, स्पार्किंग करेंगे, स्पार्किंग करने से जो चिंगारी निकलेगी वो तेल में गिर सकती है जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। बिजली के तार ढीले होना, बिजली के तार ढीले होना, यदि वृक्षा में बिजली के तार ढीले हो गए तब भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि बिजली के तार ढीले होने से स्पार्किंग होगी और उससे आग लगने का कारण बनता है जिससे वृक्षा में दुर्घटना हो सकती है। अतः वृक्षा में बिजली के तार ढीले नहीं होने चाहिए, नंगे नहीं होने चाहिए। अगर नंगे हैं तो आपने देखना है उनको और जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उनके ऊपर टेप लगाकर उनको सही स्थिति में करना है। गलत योजना, गलत योजना, वर्कशॉप के अंदर अगर आपकी गलत योजना है, मशीनरी के रख रखाव की गलत योजना है, मटेरियल जो आपका बिखरा पड़ा है, चिप्स बिखरा पड़ा है, उनसे भी क्या हुई दुर्घटना हो सकती है। अतः चिप्स को चिप्स वाले स्थान पर, मशीनों को सही ढंग से, कटिंग टूल और औजारों को अलग अलग, फर्श पर तेल भी ना हो, इन कारणों से भी दुर्घटना हो सकती है। इन कारणों को सही करने से, सही दुर्घटना से बचने के लिए सही करना चाहिए। प्रकाश का सही प्रबंध होना, यदि वृक्षारोपण में प्रकाश का सही प्रबंध न होगा तब भी दुर्घटना हो सकती है। अतः वृक्षारोपण के अंदर खिड़की होनी चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश सही मशीनरी पर पड़े, लाइट का सही प्रबंध होना चाहिए क्योंकि मंद प्रकाश में कार्य करते समय कारीगर का पूरा ध्यान नहीं होता और पूरा नजर नहीं आता जिससे हमें मापने में गलती हो सकती है और कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। अतः इनसे बचने के लिए वर्कशॉप के अंदर प्रकाश का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि दुर्घटनाएं किन किन कारणों से होती हैं, अज्ञानता से, उत्सुकता से और कॉन्फिडेंस, लगन की कमी यानी कि किसी कार्य को करने में लगन की कमी होना, मशीन टूल का सही न होना, गलत पोशाक, खतरनाक पदार्थ, बिजली के तार ढीले होना या बिजली के तार नंगे होना, गलत योजना मशीनरी के रखरखाव में गलत तरीके से बनाया होना, प्रकाश का
सही प्रबंध, वर्कशॉप में प्रकाश का सही प्रबंध न होना, इन कारणों से दुर्घटनाएं हो सकती है। इन कारणों से बचने के लिए आपने जितने ये कारण दिए गए हैं इनके बारे में ध्यान रखना है।